नमस्कार, इवन उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयति मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया डिफेंस एरोस्पेस समिट का उद्घाटन, कहा रक्षा क्षेत्र के लिए एमएसएमई उद्योग बन सकता है विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता। पिछहत्तर आंगनबाड़ी केंद्रों को सुविधा संपन्न बनाने की कवायद, मुख्यमंत्री योगी और राज्यपाल ने किया आवश्यक सामग्री का वितरण, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के मार्गदर्शन में चलाया जा रहा है अभियान। यूपी में विधानसभा चुनाव की हलचल तेज, दिल्ली में चुनाव को लेकर भाजपा का दो दिवसीय महामंथन, जेपी नड्डा की मौजूदगी में यूपी के सांसदों से चर्चा का कार्यक्रम। यूपी के बाराबंकी में भीषण सड़क हादसा, डबल डेकर बस को ट्रेलर ने मारी टक्कर, हादसे में एक महिला समेत 18 लोगों की मौत, हरियाणा से बिहार जा रहे थे सभी। यूपी में बारिश का कहर, कानपुर देहात में बारिश से कच्चा मकान धराशाही, मलबे में दबने से दंपति की मौत, बच्चों को निकाला सुरक्षित। चलिए अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। इसी के तहत दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के सांसदों के साथ आलाकमान की बड़ी बैठक है। इस दो दिवसीय महामंथन में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी सुनील बंसल और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, प्रभारी राधामोहन सिंह समेत सभी सांसद शामिल होंगे। तो वहीं चुनाव को लेकर हो रहे इस महामंथन में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह भी शामिल हो सकते हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव की तैयारी बीजेपी ने शुरू कर दी। बीजेपी का फोकस राज्य में दोबारा सरकार बनाने का है और इसके लिए पार्टी गुजरात फॉर्मूले को अपनाने की जुगत में है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ और छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में कानपुर के 75 आंगनबाड़ी केंद्रों को सुविधा संपन्न बनाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय कैंपस में आयोजित कार्यक्रम में आंगनबाड़ी केंद्रों को सुविधा संपन्न बनाने के लिए आवश्यक सामग्री वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान 40 संस्थानों की ओर से 75 आंगनबाड़ी केंद्रों को सुविधा संपन्न बनाने के लिए सहयोग प्रदान किया गया, जिसमें 7 संबंध संस्थानों को कुलाधिपति की ओर से सम्मानित भी किया गया। और मैं इन आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़ी हुई बहनों का बहुत अभिनंदन करूंगा कि इन्होंने कोरोना कालखंड में बहुत अच्छा काम किया है, बहुत ही अच्छा काम किया है निगरानी समितियों के माध्यम से। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है और अगर हम देखें तो 24 से 25 करोड़ की इस आबादी के बारे में कोरोना महामारी के दौरान हर व्यक्ति सशंकित था। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश पूरी मजबूती के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस लड़ाई को लड़ रहा है।
दुनिया के अंदर भारत ने मृत्यु दर को और पॉजिटिविटी रेट को भी नियंत्रित करने में काफी बड़ी सफलता प्राप्त की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षा और एरोस्पेस पर स्वदेशीकरण शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य राज्य में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देना और इसे एक रूप में पोषित करना है। 4 दिन के इस ऑनलाइन समिट का आयोजन CII, यूपीडा और SDIM की ओर से किया जा रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य का MSME उद्योग सामग्री की आवश्यकता पर सही मार्गदर्शन के साथ देश के रक्षा क्षेत्र के लिए एक विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता बन सकता है। ২০১৮ के यूनियन बजट में भारत सरकार ने देश के अंदर 2 डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की स्थापना की घोषणा की थी और उत्तर प्रदेश के पहले इन्वेस्टर समिट के अवसर पर फरवरी 2018 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसमें से एक उत्तर प्रदेश के लिए घोषित किया था। उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी की उस मंशा के अनुरूप, जो उन्होंने भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में उत्तर प्रदेश के सामने भी कुछ लक्ष्य निर्धारित किए थे और मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो निरंतर प्रयास किए हैं उन प्रयासों। चलिए फिलहाल यूपी के लखनऊ से एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह से मिलने के लिए पहुंची भारतीय जनता पार्टी के नेता उमा भारती और तबीयत का हालचाल उन्होंने जाना। बीजेपी नेता उमा भारती पहुंची पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह से मिलने के लिए, उनकी तबीयत का हालचाल जानने के लिए पहुंची। SGPGI अस्पताल में भर्ती है कल्याण सिंह, उनकी कुशलक्षेम पूछने के लिए पहुंची उमा भारती। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में देर रात एक बड़ा हादसा हो गया। लखनऊ अयोध्या हाईवे पर सड़क किनारे खड़ी डबल डेकर बस को तेज रफ्तार ट्रेलर ने टक्कर मार दी। हादसे में बस में सवार और उसके नीचे सो रहे 18 यात्रियों की मौत हो गई। मृतकों में एक महिला है जबकि 23 से ज्यादा घायल है। 10 गंभीर घायलों को ट्रामा सेंटर लखनऊ में रेफर किया गया। तो वहीं हरियाणा से बिहार जा रही ये बस थी। हादसा बाराबंकी के रामसनेही घाट थाना क्षेत्र में हुआ। डबल डेकर में 150 से ज्यादा यात्री सवार थे। दरअसल एक बस रास्ते में खराब मिली, जिसके बाद यात्री भी इसी बस में आ गए थे। रामसनेही घाट क्षेत्र में बस का एक्सल टूट गया, इसलिए ड्राइवर ने बस को हाईवे पर कल्याणी नदी के पुल पर खड़ा कर दिया, जिसके बाद यात्री उतरकर बस के नीचे और आगे और आसपास लेट गए। इसी बीच लखनऊ की ओर से आ रहे तेज रफ्तार ट्रेलर ने बस को पीछे से टक्कर मार दी। इससे बस और ट्रक की चपेट में आकर करीब 11 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 7 ने अस्पताल पहुंचते पहुंचते अपना दम तोड़ दिया। जनपद बाराबंकी रामसनेही घाट में हाईवे पर एक दुखद घटना हुई। एक बस जो ज्यादातर उसमें अभी तक जो पता लगा है सीतामढ़ी सहरसा आदि जनपद के लोग थे, बिहार के, ये पंजाब या हरियाणा में जहाँ काम करते हैं वहाँ से ये वापस जा रहे थे। बस का एक्सल टूटने के कारण लोग बाहर आ गए थे, कई लोग बस के साइड में, कई लोग बस के सामने लेटे हुए थे, क्योंकि उनको ड्राइवर ने ये बताया कि उसको जो है। तो वहीं यूपी के कानपुर देहात में बीते 2 दिन से हो रही तेज बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। मैंथा क्षेत्र के अलियापुर गांव में तेज बारिश के चलते एक कच्चा मकान धराशाही हो गया, जिसमें मकान में सो रहे पति पत्नी समेत मवेशियों की मौत हो गई। इस घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। दूसरे कमरे में सो रहे बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। मामले की सूचना पाकर पुलिस समेत प्रशासन के आलाधिकारी मौके पर पहुंची और मौके का मुआयना करके मुआवजे का आश्वासन दिया।
यूपी के मैनपुरी में पानी से भरे गड्ढे में दो बच्चों के गिरने से उनकी दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बरनाहल थाना क्षेत्र के बरिंगा गांव के पास मिट्टी के खनन के बने गड्ढे में पानी भरा हुआ था, जिसमें अपने पिता के साथ खेत से लौटते समय बच्चा गड्ढे में गिर गया। अब इन गड्ढों के हादसे की वजह से बनने पर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। मामले की सूचना पाकर तहसीलदार और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद दोनों के शवों का पंचनामा भरवाकर पोस्टमार्टम करवाया और मामले की जांच में जुट गए हैं। यूपी के प्रयागराज में डबल मर्डर से फैली सनसनी। जी हां, सोराव थाना क्षेत्र में मनिकापुरा गांव में हुआ डबल मर्डर। मर्डर की सूचना पाकर पुलिस पहुंची। पुलिस ने एफएसएल की टीम की सहायता से साक्ष्य जुटाए हैं और मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। उत्तर प्रदेश के महराजगंज में पुलिस और स्वाट टीम ने पेट्रोल पंप के मैनेजर का अश्लील वीडियो बनाकर उसे 6 लाख रुपए की रंगदारी मांगने वाली दो बदमाशों को गिरफ्तार किया। दोनों बदमाशों की तलाशी में उनके पास से देसी तमंचा, मोबाइल पिस्टल की शक्ल वाला लाइटर बरामद हुआ। दोनों बदमाश पिछले 3 महीने से पेट्रोल पंप के मैनेजर को धमका रहे हैं और अश्लील वीडियो बनाकर 6 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। इसके लिए बदमाशों ने तमंचे के बल पर अश्लील वीडियो बनाया। जानकारी के अनुसार मामला 18 मई का है, जब बदमाशों ने सदर कोतवाली क्षेत्र के रामपुरवा नहर के पास मैनेजर को रोका, हथियार दिखाकर तलाशी ली और कुछ नहीं मिला तो तमंचे के बल पर उनका अश्लील वीडियो बनाया और उसे वायरल करने की धमकी देकर फरार हो गए। इसके बाद बदमाशों ने 7 जून को पंप मैनेजर की फोटो निकालकर उसे मिठाई के डब्बे में पैक कर उसके घर के सामने फेंक दी, ताकि मैनेजर डर जाए और बदमाश पैसे की डिमांड कर सके। पुलिस की गिरफ्तारी के बाद दोनों ने अपना जुर्म कबूला है। दोनों बदमाशों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया। एक नहर के किनारे इनको दो लड़कों ने रोक लिया, उसके बाद उनसे पास जो भी सामान था छीन लिया और उनका एक न्यूड करके कपड़े उतरवा के वीडियो बना लिया गया। बाद में उस वीडियो के आधार पे 5 से 6 लाख रुपए के पैसे मांगे जा रहे थे। जो व्यापारी था उसने हम लोगों को अप्रोच किया, उस पर तत्काल मुकदमा लिखा गया और इसमें संबंधित दो अभियुक्त जो हैं आकाश और मुसद्दी कुल, इनको गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से एक तमंचा मिला है, एक खिलौना पिस्टल मिली है जो लाइटर। यूपी के बस्ती से बड़ी खबर, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में बदमाश दयाराम उर्फ मोनू घायल हुआ है। मुठभेड़ में कांस्टेबल रामचल गौतम भी घायल हुए। दोनों घायलों को अभी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनका इलाज जारी है। खबर अब यूपी के महराजगंज क्षेत्र से, जहां निचलौल थाना क्षेत्र के गांव में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। गैंगरेप का मामला उस वक्त सामने आया जब लड़की की तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसको अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसके गर्भवती होने की पुष्टि की। इधर बेटी के गर्भवती होने की जानकारी के बाद परिजनों के होश उड़ गए और पुलिस थाने में 4 लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कराया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। यूपी के कासगंज में बेखौफ बदमाश तमंचे के साथ युवक ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। पुलिस ने वीडियो बनाने वाले युवक को तमंचे के साथ गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से एक तमंचा और 2 कारतूस बरामद किए गए। तो वहीं जालौन के कोंच में उराई रोड पर 2 दिन पहले मारुति और बाइक की टक्कर के बाद हुए विवाद में महिला और उसके परिजनों से की गई मारपीट के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने SC ST एक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया। उराई बघौरा बाईपास की रहने वाली खुशबू देवी ने कोंच कोतवाली में प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि 25 जुलाई की शाम वो परिजनों के साथ मारुति से इलाज कराकर झांसी से कोंच के रास्ते से उराई जा रही थी। तभी जैसे ही ग्राम पटरी पहुंची, यह ओमनी और बाइक की टक्कर हो गई, जिसके बाद बाइक सवार राजेंद्र और उनके बेटे प्रांजुल ने मौके पर अपने 10 अज्ञात साथियों को बुलाया और गाली गलौज कर मारपीट की। यूपी के महराजगंज स्थित नौतनवा के SDM रह चुके प्रमोद कुमार ने तहसील परिसर में पुस्तकालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर स्थानीय वकील, व्यापारी और ग्रामीण उपस्थित रहे। इस मौके पर SDM प्रमोद कुमार ने कहा कि पुस्तकालय से सभी को सुविधा मिलेगी। एक
पूरा नौतनवा वासी नगरवासी द्वारा जो है इसका जो है सबके सहयोग से सबके प्रयास से ये उद्घाटन इसका हुआ और खुला लाइब्रेरी। इसका मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों से लेके और आगे जो तैयारी करते हैं पढ़ाई करते हैं हमारे लॉ की किताब है विद्वान अधिवक्ता हैं सभी के लिए यहाँ पुस्तकें उपलब्ध हो और जो किताबें प्रेरित करते जो ऐतिहासिक रूप से हैं चाहे हर व्यक्ति को एक प्रेरणा का स्रोत बनी हुई हैं। मैं वही चाहूँगा कि यहाँ सभी किताबें यहाँ आए और नौतनवा क्षेत्र के लिए एक बौद्धिक विकास के क्षेत्र में काफी एक मील का पत्थर साबित। अब खबर यूपी के जालौन से जहां डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक से संबंधित समितियों को माइक्रो एटीएम वितरित किए गए। क्रय विक्रय समिति पर आयोजित कार्यक्रम में डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के सभापति उदय सिंह पिंडारी, समाजसेवी अभिमन्यु सिंह डिंपल, केंद्रीय राज्य मंत्री के पुत्र मनोज भान सिंह वर्मा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस मौके पर बैंक के सभापति उदय सिंह पिंडारी ने मौजूद सचिवों को बताया कि माइक्रो एटीएम मशीन से खाते खोलने, पैसे जमा कराने और निकालने में मदद मिलेगी। ये जो माइक्रो एटीएम मशीन दी गई है इसको सीधे सीधे सचिवों को सभी अधिकार रहेंगे लेन देन करने के, और हर एक आदमी की यूजर आईडी है उसी के माध्यम से वो काम करेगा। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी ट्रांजेक्शन कंप्यूटर से स्वतः गिरेगा। यदि कोई दिक्कत होती है तो सचिव और बैंक बैठ कर इसका मिलान करके समाधान कराएंगे। अब खबर यूपी के कन्नौज से जहां तीरवा क्षेत्र में रोजगार चले जाने पर हड़ताल पर बैठे एम्बुलेंस कर्मियों ने सीएमओ के सामने अपनी व्यथा सुनाई। उनका कहना है कि कोरोना काल में जान जोखिम में डालकर उन्होंने काम किया, फिर भी बिना किसी वजह से कंपनी के लोगों ने उन्हें निकाल कर नए लोगों को भर्ती कर लिया, जिससे अब उनका परिवार भुखमरी के कगार पर आ गया। तो वही नई कंपनी अब भी भर्ती के नाम पर सिक्योरिटी की मोटी रकम मांग रही है, जिसको लेकर बीते दो दिन से एम्बुलेंस कर्मी हड़ताल पर है। उन्होंने सीएमओ से इस मामले में जल्द ही ठोस कार्रवाई करने की मांग की। तो वहीं यूपी के मऊ में हड़ताली कर्मचारियों पर एस्पा के तहत कार्रवाई, सेवा प्रदाता कंपनी के अनुरोध पर सीएमओ ने आदेश दिया। तीन हड़ताली एम्बुलेंस कर्मियों पर एस्पा के तहत एफआईआर दर्ज कराने का आदेश, जरूरी सेवाओं को बाधित करने वालों के खिलाफ 304 के तहत कार्रवाई के आदेश दिए गए। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए वन टीवी। नमस्कार।